मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ट्रक पर किस तरीके से उस धूप वस्तु को रखा गया, मतलब हमारे वैदिक मंत्रों के द्वारा इसकी पूजा उजा की गई है और जितने भी राम भक्त है इसको ले जाने वाले हैं। लगभग 20 किलोमीटर और शेष है हमारी अयोध्या धाम और लोगों में बहुत ही ज्यादा। वैसे आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज कमेंट करके बताओ, मतलब जितने भी सेवक हैं मतलब वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको जल पिलाएंगे। हाँ, हम वॉलंटियर हैं, हम लोग वॉलंटियर हैं। तो हमारा राम मंदिर बन रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अभिषेक है। अरे इस धूप बत्ती की क्या विशेषता है? ये धूप बत्ती की विशेषता ये है, सबसे पहली बात तो ये अपने जो अग्निकुंड करते है ना। हाँ, अवधपुरी प्रभु आवत जानी करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू ब्लॉग आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको अपडेट देने वाला हूँ जो धूप बत्ती आ रही है पड़ोतरा से चल करके। अच्छा, इसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, इसका मतलब विशेषता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसको शुद्ध गाय के गोबर और जो हवन हवन में जो सामग्रियां पड़ती है उनसे मतलब मिला करके इसको बनाया गया है। उसकी जो लंबाई है वो लगभग 108 फीट है और इसका वजन तकरीबन 3600 किलोग्राम है। और इसी का आज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये लगभग 41 दिन तक हमारे अयोध्या को पूरा मतलब इतना महकाएगा कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए आपको भी दिखाते, कंटिन्यू बने रहिएगा इस ब्लॉग में और ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में आप लोग इस ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पब्लिक देख सकते हो भाई किस तरीके से गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। देखो बहुत ही ज्यादा उत्साह है, जितने भी राम भक्त हैं भाई इतनी ज्यादा उत्साह है कि आंखों से आंसू झलक जाए, ऐसा कुछ प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति देखने को मिलता है लोगों को। आप चेक कर सकते हो मतलब जिस एरिया से भी गुजर रहा है ये ट्रक अगरबत्ती जिस पर रखी गई है वहाँ से एकदम सैलाब उठ जा रहा है लोगों का। ये चेक करिए आप, इधर देखिए आप, आपको देखने को मिलेगा भाई। कंटिन्यू इसी तरीके से ब्लॉग में बने रहे और अभी ये तो ट्रेलर में आपको दिखा रहा हूँ, पूरी पिक्चर को अयोध्या में आपको दिखाऊंगा तो बने रहिएगा भाई। तो दोस्तों मैं ट्रक के ऊपर आ चुका हूँ और ये पूरी अगरबत्ती आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर आप देखिए 108 फीट की अगरबत्ती है यहाँ से लेकर भाई वहाँ तक, इसकी भव्यता को आप देख लीजिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ट्रक पर किस तरीके से इस धूप बत्ती को रखा गया, मतलब जैसे हमारे वैदिक मंत्रों के द्वारा इसकी पूजा उजा की गई है और जितने भी राम भक्त हैं इसको ले जाने वाले हैं। लगभग 20 किलोमीटर और शेष है हमारी अयोध्या धाम और लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। बड़ोदरा से चल करके ये खास प्रकार की अगरबत्ती हमारे प्रभु श्री राम के रामलला के मंदिर में जब जलेगी, इधर चेक करो भाई ये है, मतलब चले जाओ और मतलब ख़त्म ही नहीं होने वाला, इतना लंबा है। ये देखिए, जय श्री राम। जय श्री राम बोले। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अभिषेक है। अरे इस धूप बत्ती की क्या विशेषता है? ये धूप बत्ती की विशेषता ये है, सबसे पहली बात तो ये अपने जो अग्निकुंड करते हैं ना, 108 अग्निकुंड की जो सामग्रियां होती हैं वो सभी इसमें डालेंगे। गौमूत्र गौ गोबर देसी घी से बनाई हुई है, हमारे आदरणीय चाचा जी श्री बिया भाई करसन भाई भरवाड़ ने बनाई है, जो एक गौ भक्त है। कितने दिन से बन रहा है? ये 6 महीने से बनी है। कैसा लग रहा है अयोध्या पहुँचने वाले? आनंद आ रहा है, आप सबका प्यार मिल रहा है। 10 किलो 15 किलोमीटर और से बचा हुआ है, देखते हैं अभी पब्लिक का प्यार कितना और मिलता है और आनंद के साथ है। जय श्री राम दादा। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। देखिए कितनी ज्यादा उल्लास है लोगों में भाई, तो पब्लिक ही पब्लिक देखने को मिल रहा है हर जगह। आप चेक करो मतलब पूरे हाईवे के एक साइड को ब्लॉक कर दिया गया है खासकर इसके लिए ताकि ये बहुत ही इजीली हमारे अयोध्या धाम पर पहुंच जाए। ये देखिए भाई, मतलब मैं कब से चले जा रहा हूँ और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा है। बढ़िया ऊपर का नहीं लिए, ऊपर से नहीं लिए। देखिए यहाँ पर जो भी धूप बत्ती को लेकर के आ रहा है उनकी सेवा के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इनसे मिले। जय श्री राम भैया। भैया जय। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम नाम है मेरा। घनश्याम, यहाँ पर आप जल पिलाने का कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल। कब पता चला कि हमारा धूप बत्ती आ रहा है? हमको कल पता चला। कल पता चला जी बिल्कुल। तो आज सब मतलब जितने भी सेवक हैं मतलब वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको जल पिलाएंगे? हाँ, वॉलंटियर हैं हम लोग। वॉलंटियर है जी। तो हमारा राम मंदिर बन रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमारे जिंदगी का सबसे पहला है सुखद सिस्टम है। अच्छा, जैसे कि हमारे बहुत पूर्वज उसको टूटते हुए देखे हैं 500 साल पहले से, 500 साल पहले से, अब हमारा राम मंदिर हम लोग के इससे बड़ी खुशी कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगी। चलिए एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। ये पानी पीजिए। ये चेक करो भाई,
ये सारे पैदल ही आ रहे हैं प्रभु श्री राम का नारा लगाते हुए। और पीछे आपको दिखाता हूँ, ये अगरबत्ती वाला जो ट्रक है वो पीछे है, बीच में एक स्कॉर्पियो है, बीच में एक लोग बैठे हैं जो कि भगवा कलर का झंडा लेकर के हवा में फहरा रहे हैं। ये चेक करो आप भाई, ये देखो। वैसे आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। जय श्री राम। बीच में एक गाड़ी और है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये गाड़ी जहाँ पर लदा हुआ है हमारा 108 फीट का अगरबत्ती। जय श्री राम। ये आप चेक करो, ये आ रहा है। बड़ी ट्रक है भाई, ये चेक करो, 108 फीट की अगरबत्ती इस पे लदी हुई है भाई, ये चेक करो। पीछे भी जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। जय जय श्री राम। चलिए हम भी पीछे पीछे चलते हैं अयोध्या तक और आपको अपडेट देते रहेंगे ऐसे 108 फीट लंबी अगरबत्ती का। राम भक्त जो धूप बत्ती को लेकर आए हैं उनसे हम चर्चाएं करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या खासियत है उस धूप बत्ती की। जय श्री राम। भगवान श्री राम नो मंदिर आजे 500 वर्ष पछे जी जी भगवान श्री राम यानी जन्मभूमि ऊपर पधारी रिया से ई विषय थी हमने एक आनंद थयो के हमारा भाई से એને 108 ફૂટની અગરબત્તી લાંબી બનાવી અને આ અગરબત્તી અયોધ્યાની નજીક આજે અયોધ્યા અહીંથી 30 કિલોમીટર અગરબત્તી કે ક્યા વિશેષતા હૈ ઉસમે ક્યા વિશેષતા હૈ ઉસકી અગરબત્તીની અંદર વિશેષતામાં એ છે કે જે આપણે 108 કુંડી હવન કરીએ આપણે 108 કુંડી હવન કરવા માટે જે સામગ્રી જોઈએ એ સામગ્રી આ અગરબત્તીની અંદર ઉપયોગ કરેલી છે। कैसा लग रहा है अयोध्या पहुंचने वाले हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बबली बबली। पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं कि पब्लिक को कैसा लग रहा है जो इतनी दूर से चल करके इतनी बड़ी धूप बत्ती आ रही है हमारे अयोध्या में। प्रेजेंट टाइम पर मैं खड़ा हूँ पिलखावा में और पिलखावा में लगभग हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो कि उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। चलिए आइए पब्लिक से बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है। किस तरीके से जन सैलाब लगा हुआ है उस अगरबत्ती को देखने के लिए, अद्भुत अगरबत्ती को देखने के लिए। मेरे पीछे आप देख पाओगे ये नेशनल हाईवे है और पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है। आइए आपको पास से दिखाते हैं। जगह जगह पर जैसे ही मतलब आधा किलोमीटर चलता है ये शोभा यात्रा, वैसे से पब्लिक इनको रोक लेती है क्योंकि पब्लिक इनका दर्शन करना चाहती है, इस पर जो प्रसाद वितरण चल रहा है उसको भी पाना चाहती है क्योंकि बड़े सौभाग्य की बात है इनके लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो,
यहाँ पर मतलब पूरे हाईवे को जाम कर दिया गया है। सभी बच्चे बच्चे गांव से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए इस अगरबत्ती का, और ये जन सैलाब सामने आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे कंटिन्यू बने रहे इस ब्लॉग में। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि जन सैलाब बड़े ही जोरों शोरों से अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है। अयोध्या यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और शेष बचा हुआ है। अयोध्या में पहुँचने के बाद इसकी भव्य आरती की जाएगी और भव्य पूजा भी किया जाएगा।